अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख वकास। आज आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट का ऐलान किया गया है उसमें इन गरीब लोगों के लिए, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, उन लोगों के लिए कितने पैसे मख्तस किए गए हैं, एक तो ये डिस्कस करनी है और दूसरा कुछ सर्वे के हवाले से डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि आप लोगों के लिए 206 अरब रुपए मख्तस कर दिए गए हैं। 206 अरब रुपए, ये मैंने ज़राए से सुना है, ठीक है। अब इसमें कितनी गहराई तक सच्चाई है, क्योंकि ये चीज़ें, बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेहत गवर्नमेंट ऐलान किसी और चीज़ का करती है, ठीक है, लेकिन वो फंड जो है वो किसी और चीज़ की तरफ जा रहा होता है। तो जो रिपोर्ट मिली है वो 206 अरब रुपए की मिली है। अब इसके अंदर जो अपडेट मज़ीद आएगी वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। एक बात, दूसरी बात, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक तो मुझे कल भी मैसेज रिसीव हुए हैं कई लोगों के, 933 के एरर क्लियर हो के उनको पैसे मिल चुके हैं, क्लियर। 8171 से SMS जाना और एक दो और तरीक़ों से मुस्तहिक और हकदार लोगों को मैसेज आना, ये 30 जून के बाद होगा। 30 जून तक सर्वे हो रहा है और सर्वे भी यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, बड़ी अहम बात, जो असल बात आज इस वीडियो का मकसद थी, बाकी बातें आप सबको पता होंगी। अगर एक महल्ले में 100 घर हैं ना, तो वो 100 घर नहीं करते, वो 75 करते हैं, 25 नहीं करते, या 25 करते हैं, 75 नहीं करते। अगर एक इलाके में 2 लाख की आबादी है ना, तो उन्होंने 1 लाख करना, 1 लाख नहीं करना। अब ये बात भी कन्फर्म है, ठीक है। अब उसमें देखा जाएगा कि कौन हकदार है। अब जिनका सर्वे हो गया और जिनका ना हुआ, तो वो 8171 का ऑप्शन मौजूद है, जांच पड़ताल सबकी होगी। अब इसमें होता क्या है, बात ज़रा गौर से सुनिएगा। मान लें एक इलाके में 100 लोग रहते हैं, 50 का हुआ, 50 का नहीं हुआ। अब 50 का जो हुआ और उन्होंने 50 ने मैसेज भी किया होगा, ठीक है, लेकिन जो 50 का हुआ, अब इनका सर्वे कंप्लीट होने के बाद इनको मैसेज आएगा कि आपको पैसे मिलेंगे। अब जिन 50 का नहीं हुआ वो 8171 पे SMS करेंगे, उनका पूरा डाटा जो है वो ऑलरेडी उनके पास मौजूद होता है, वो वहाँ से उनको मैसेज कर देंगे, क्लियर। इसलिए सबका एक बार सर्वे होगा, चाहे वो मैसेज के जरिए हो या चाहे वो NSER टीम की तरफ से हो। तो ये दो अपडेट्स थी, तो इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आज बजट के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन थी, और दूसरा ये आपको बताना था कि कुछ लोग ये ना कहें कि सर्वे की टीम पिछले महल्ले में आई थी, हमारे महल्ले में नहीं आई, ये रूल है, ठीक है। उन्होंने एक गली करनी है, दूसरी नहीं करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। 30 जून के बाद मज़ीद बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, तो इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। दुआ में याद रखना जी, इंशाल्लाह वेरी सून मिलते हैं पठानों के साथ। अगला वीक जो है हमारा पठानों के इलाके का है, स्कर्दू तक हमने जाना है, तो इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके नंबर्स आ चुके हैं, सबसे मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।